जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे, कसम से कसम से कसम पर हाथ उठाया। तुमने मेरी बेटी पर हाथ उठाया? एक मिनट रख। तुम यहाँ केटरिंग मैनेजर की ड्यूटी करने आई हो ना? जाओ अपना काम करो नीचे। आज मैंने झूठ बोला, मैंने बानी मामी के साथ अच्छा नहीं किया रानू। राहें जुदा हो गई। दूसरों की जिंदगियों के साथ दूसरों का काम करने के साथ अपना काम करने आई। तुम तीनों बहनों को मुझ पाने के लिए ना वालिया खानदान में जगह मिलेगी और ना इस दुनिया में। जानू, क्या बात, सब कुछ ठीक तो है? कैसी थी अनु की पार्टी? बोलो ना, क्या हुआ पार्टी में? एक्चुअली पार्टी में काफी कुछ हुआ। दुनिया की सारी तकलीफें दी के हिस्से में क्यों लिखती है? काश वो ये सारे दुख मेरे हिस्से में लिखते थे। दी ने किसी का क्या बिगाड़ा है रानू? वो जिसका भी साथ देती है उन्हें वापसी में कोई खुशी नहीं मिलती। मैंने नहीं सोचा था कि राशि भी ऐसे निकलेगी। दी कहा है? मैंने पुष्कर को कहा था कि दीदी को अपने साथ घर पहुंचा दे, पर दीदी अब तक घर पहुंची नहीं है। पुष्कर का फोन भी अनरीचेबल है। प्रिया, मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं दीदी कहाँ है। लेकिन जानू, तुम्हें दी के साथ होना चाहिए था उस वक्त। मैं राशि के साथ बात कर रही थी, उसके बाद जब पार्टी में वापस गई थी वहां से जा चुकी थी। दी की केटरिंग कंपनी का नंबर क्या है? मेरे पास वो नंबर नहीं है। मैं डायरेक्टरी में ढूंढती हूँ। टोनी ने कहा था कि डायरेक्टरी मिस्टर वाले के स्टडी में रखी है। गॉड, इस कमरे में कितना अंधेरा है। लाइट्स, लाइट्स ऑन मत करो। रोशनी नहीं चाहिए मुझे। रोशनी में कभी कभी जो चीजें दिखती हैं, मुझे डर लगता। डर तो अंधेरे में लगता है मिस्टर वाले। कभी कभी अंधेरे में सुकून भी मिलता है। लगता है कोई तूफान आने वाला है। मुझे तो चिंता उन लोगों की हो रही है जो अब तक घर वापस नहीं लौटे हैं। कितनी बेचैनी है इन हवाओं में। ऐसा लगता है कि आंधी कोई कहर ढाने वाली है। Thank you.
पता चला? प्रिया, क्या तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ प्रिया? बहुत गुस्सा आ रहा है अपने आप पर, बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हें मालूम है आज पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं दी के कोई काम नहीं आ पाई। मैंने तो दी को अपने हिस्से के आंसू भी दे दिए। एक गलती, मेरी एक गलती की वजह से दी की सारी खुशियां छीन ली है मैंने। मैं ये तो नहीं कह सकती कि तुम्हारे आंसू देखकर मुझे खुशी हो रही है। आज मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि तुम्हें एहसास हो गया कि जब तुमने मिस्टर वाले के साथ अपनी शादी तोड़ दी, तुमने दीदी की जिंदगी तकलीफों से जोड़ दी। आज तुम्हारे आंसू झूठे नहीं है और तुम्हें सच्चाई का एहसास हो गया। इस बात की बहुत खुशी हो रही है मुझे। अब मत रो, मैं जल्दी वापस आ जाऊं। कल तक मेरा डिवोर्स केस खत्म हो जाए, मुझे अब और इंतजार नहीं करना। मिस्टर वालिया, इतनी जल्दी फैसला होना नामुमकिन है। केस फाइल हुआ है, बस डेट लेनी हो फिर केस लड़ना, उसके बाद। लुक, आई डोंट केयर, जस्ट गेट इट डन। तुम्हें और पैसों की जरूरत है तो मैं देने को तैयार हूं। मुझे अब इस रिलेशनशिप से मुक्ति चाहिए, यू अंडरस्टैंड। दम घुटता है, तुम्हारे पास 24 घंटे। कोई भी रिलेशनशिप को खत्म करने के लिए 24 घंटे का वक्त कम नहीं होता। इसके बाद देखने के लिए कल मेरा और मिस्टर वालिया का डाइवोर्स हो जाएगा और वो सब कुछ जो मैंने आपसे कहा मेरे हाथ में होगा। कल और आज के बीच पूरे 24 घंटे का वक्त था और 24 घंटे मैं तुम्हारा पास और तुम्हारी तकदीर दोनों बता दूंगी। जिज्ञासा नाम है। ये सारे पेपर्स हैं, जो कुछ तुम्हें चाहिए सब तुम्हारे नाम करते हैं।
और पैसे चाहिए तो वो भी देने को तैयार हूँ। I just have one request. मेरे होने वाले बच्चे का नाम तो कृष्णा रखोगे। कृष्णा मेरी माँ का नाम था और माँ ने मुझसे वादा किया था कि जब मेरा अपना बच्चा होगा, चाहे वो बेटा होगा या बेटी, उसका नाम मैं कृष्णा रखूंगा। जिज्ञासा ने मेरी बात नहीं मानी और मैंने सोचा कि मेरा अपना बच्चा शायद कभी होगा ही नहीं। माँ का वादा कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा मैं, लेकिन अब ऐसा नहीं। इस बच्चे के जरिए मुझे लग रहा है कि माँ मेरी जिंदगी में वापस आई। एक बच्चे को माँ की जरूरत बहुत होती है। मैं मानता हूँ कि बच्चे को माँ के साथ ही रहना चाहिए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये बच्चा तुम्हारे साथ ही रहे। उसका नाम कृष्णा, तुम उसकी बहुत देखभाल करो। तुम्हें जितना पैसा चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे बच्चे की बहुत देखभाल करो। ये बच्चा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चिंता मत कीजिए मिस्टर वाले, अगर आप मुझे ये पैसे देंगे तो ये सिर्फ मेरे बच्चे के लिए। मेरे लिए मेरे बच्चे की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। That's all I care about. जय भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बानी भाभी। जय भैया का होने वाला बच्चा है, हमारे खानदान का चेहरा है, तो हमें तुम्हारी तरफ से भी तो कोई कमिटमेंट चाहिए। इसीलिए कह रहा हूँ जय भैया के सामने कमिट कर दो बानी। जय भैया जो तुम्हें पैसा देने वाले हैं, जो तुम्हें मिलने वाला है, तो सारा पैसा होने वाले बच्चे के नाम का करो। बोलो भाई, क्या तुम जय भैया की तरफ से मिलने वाला सारा पैसा अपने बच्चे के नाम करने के लिए तैयार हो? जय भैया कभी तुम्हें पैसे नहीं, ये पैसे मेरे बच्चे के नाम पर हैं, मेरे नाम पर होंगे। क्यों पानी, तुम तो ये सारा पैसा बच्चे के लिए तो मांग रही हो ना, बच्चे की सिक्योरिटी चाहिए ना तुम्हें। आगे चल के ये सारा पैसा बच्चे के नाम पर ही तो होने वाला है, तो फिर डिवोर्स के साथ ये क्यों नहीं कर देते? नहीं, आई मीन मेरा उसमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ इतना ही कह रही हूँ कि जो तुमने जय भैया के साथ किया, क्या गारंटी कि तुम बच्चे के साथ नहीं करोगे? इसीलिए कह रही हूँ कि पैसे मैं अपने बच्चे के लिए दे रही हूँ, अपने बच्चे के नाम पर नहीं कर रही। मुझे किसी पेपर की जरूरत नहीं है, मैं सब करता हूं। कितना अच्छा प्रपोजल दे रही थी मैं तुम्हें कि सारा पैसा बच्चे के नाम कर दो, लेकिन तुम हो ही इतनी सेल्फिश ना, क्यों करोगे तुम बच्चे के नाम पैसा, क्योंकि सारा पैसा तुम्हें चाहिए अपने हाथ में है ना। आप जानती हैं मैं ये सारे पैसे मिस्टर वाले को लौटाने वाली हूँ, मैं ये पैसे अपने बच्चे के नाम पे करके मिस्टर वाले की प्रॉब्लम्स नहीं बढ़ाना चाहती। एक बहन पैसों के लिए अपने भाई को धोखा दे सकती है, तो मेरे बच्चे को कभी भी नुकसान पहुंचा सकती है। क्या कहा तुमने कि एक बहन भाई को धोखा दे रही है? मैं जय भैया को धोखा दे रही हूँ? हाँ धोखा, मिस्टर वालिया पर जानलेवा हमले हुए, ये मैं समझना मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। क्यों हम लोगों की बात कर रहे हो? मिस्टर वालिया पर कितनी बार जानलेवा हमले हुए हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। शट अप, क्या कहना चाहते हो? जय भाई पर हमले मैंने करवाए, मैंने गोली चलवाई मेरे जय भैया पर, क्या कहना चाहते हो? अपने जैसा समझ रखा है जी, जैसे घटिया खानदान से नहीं बिलोंग करता। जय भैया मेरे कोई सौंदर्य भाई नहीं, सगे भाई माँ के जाते माँ और बाप का प्यार किया मुझे मेरे भाई कैसे मुझे हो सकता है घर की बातें कहते हैं, जो भी करती हूँ जय भैया के लिए मेरा प्यार है, इसलिए करती हूँ तुमसे नफरत करती हूँ क्योंकि जय भैया के लिए बहुत अच्छा सोचती हूँ। तुम्हारी तरह घटिया सोचने ही नहीं, मेरे रगों में तुम्हारे जैसे घटिया का कुछ नहीं।
डिवोर्स का फैसला हो जाएगा। मैं जानती हूँ कि इस थोड़े से वक्त में आपको इस फैमिली से बहुत अटैचमेंट हो गई है, लेकिन दी प्लीज अपने आप को और दुख मत पहुंचाना। ये दिन तो आना ही था दी, अनचाही शादी के इस रिश्ते को आखिर आप कब तक निभाती? लेकिन दी, इस सब के बाद सिर्फ अपने और अपने बच्चे की खुशियों के बारे में सोचना। इस छत के नीचे ना आप खुश रह सकती हैं और ना ही मिस्टर वाले। डिवोर्स के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं और रानू हमेशा आपके साथ हैं। अरे लड़कियों देखो, सब चीज़ें बन जाए ना तो अच्छे चख लेना। हाँ, कोई नमक ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और टोनी बेटे बाहर जाकर देख, डाइनिंग टेबल लोग आए कि नहीं आए। हाँ, मैं अखबार खोल लेती हूँ। राशि आज मेरे लिए अनुदान बना लेना लड़के के साथ जी। आज अच्छा लग रहा है नहीं? डिवोर्स होने वाला है घर पे, लेकिन सब कुछ कैसे नॉर्मल चल रहा है। वेरी नाइस। वो जिज्ञासा जी, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। हाँ, इसके दिल से पूछो क्या बीत रही है उस पर। घर छोड़कर जा रही है, कुछ छोटी बात है ये। 24 घंटे बानी बहू बानी बहू बानी बहू। जयपुत्र के बारे में सोचा है आपने कभी? नहीं ना? For your kindness information, आपके जयपुत्र जो है वो बिटने वाले बिटने वाली आपकी डार्लिंग बानी बहू है। लेकिन नहीं, 24 घंटे मेरी बानी बहू कितनी अच्छी है। उसने रनू की गोद धराई में क्या दबा लेते हैं। राशि को बहाना बना मेरे रणवीर को, मेरे रणवीर के बारे में गंदा बोल रही थी वो। छी, जय भैया ने उसे डिवोर्स नहीं दिया था, इसने केस फाइल किया जय भैया के अगेंस्ट। पैसे भी मिलेंगे किससे? खुद ही खुद ये लड़की हमारे बीच में बोलने वाली जी। क्या शांति, अगर मेरी बहन डिवोर्स और एलिमनी मांग रही है तो आपको इससे क्या होगा? उसने आपसे तो कुछ नहीं मांगा। सबसे पहले तो इस लड़की से पूछिए ये होती कौन है मुझसे सवाल करने वाली। कौन हो तुम यहाँ मेरे सामने खड़ी रहकर मुझसे सवाल कर रही हो? तुम्हारी शादी पुष्कर से हुई है, जयवालिया से नहीं। अब तुम्हारा पति बेवकूफ और निकम्मा है तो हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, रेफ्यूजी कैंप है वालिया हाउस, जहाँ पे कोई भी आके रह सकता है। एक तो हमारी मेहरबानियों पे रह रही हो, ऊपर से मुंह खोलकर मुझसे बात भी करती हो, इतनी हिम्मत तुम्हारी? एक बात याद रखना, यहाँ पे खड़े रहकर मुझसे सवाल करने की कोई जरूरत नहीं है। ये घर मेरा है, जब चाहूँ धक्के देकर बाहर निकाल सकती हूँ। ये तो मेरा बड़प्पन है कि यहाँ पे तुमको किचन में खड़ा कर रही हूँ, समझा देना इसे। तो जिज्ञासा की बात कर बोल रहा हूँ, उसको आदत ऐसे बोलने की। वो कौन होती निकालने लीजिए? अरे मेरा घर है तो मेरे साथ रही। चलो मेरे साथ। अच्छा, आ जाओ।